मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दोस्तों हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर जिसका नाम है

थोड़ा डिटेल में थोड़ा जल्दी से क्योंकि 30 टू तो 35 खबरें हैं इंपॉर्टेंट न्यूज है अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग कैटेगरी से जैसे कि स्टेट न्यूज नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज डिफेंस की बातें साइंस और टेक की बातें बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की बातें इंपॉर्टेंट डेज ऑबिचरी स्पोर्ट्स फुल फॉर्म्स तमाम उन खबरों को हम डिटेल में लेकर जाते हैं जहां से आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं जीके के क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं तो समय को जाया नहीं करेंगे अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू विश करते हुए हम चलते हैं दिन की पहली खबर की तरफ और ये रहा फर्स्ट न्यूज आपके सामने फर्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट कमर्स मिनिस्ट्री एंड आयुष मिनिस्ट्री कमर्स मिनिस्ट्री वाणिज्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय जो है डिसाइड टू सेटअप एंड आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो कमर्स मिनिस्ट्री ने यहां पर आयुष प्रोडक्ट्स को अब देखिए आयुष मंत्रालय यह बनाया गया स्पेशली किस चीज को प्रमोट करने के लिए तो आयुष प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आयुष जो एक नेचुरोपैथी है और एक तरह का इलाज करने का सिस्टम है तो उस चीज को मेडिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुष मंत्रालय को सेटअप किया गया था तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है यहां पर आयुष ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा वाई स्टैंड्स फॉर योगा यू स्टैंड्स फॉर यूनानी एस स्टैंड फॉर सिद्धा एंड एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी तो एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों का एक अल्टरनेटिव ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री का निर्माण किया गया था तो अभी रिसेंटली कमर्स मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उसको सेटअप करेंगे टू प्रमोट आयुष प्रोडक्ट्स और आयुष मेडिसिनल सिस्टम को प्रमोट करने के लिए तो मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड आयुष डिसाइडेड टू बूस्ट आयुष एक्सपोर्ट दिस डिसीजन वॉज टेकन इन ज्वाइंट रिव्यू ऑफ आयुष ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड आयुष मिनिस्टर श्रीपद नायक तो कमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और आयुष मिनिस्टर श्रीपद यसो नायक जो हैं उनके बीच में बैठक हुई है कि आयुष ट्रेड को आयुष के प्रोडक्ट्स का जो व्यापार है या आयुष मेडिसिनल सिस्टम है चिकित्सा पद्धति जो है उसको किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उसको लेकर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने की इन्होंने बात करी है तो इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट दी एंटायर आयुष सेक्टर विल वर्क टुगेदर टू अचीव प्राइस एंड क्वालिटी कंपिटेटिवनेस टू बूस्ट एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा तभी मिलेगा जब प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग होगा और क्वालिटी भी इसकी बेहतरीन होगी और एक्सपोर्ट और ट्रेड जो है वो तभी हमारा बढ़ सकेगा

ई इवेंट के जरिए वर्चुअली इस चीज को अटेंड किया गया तो बड़ा सिंपल सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री मिलकर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना रही है किसके लिए लिए आयुष 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 मंत्रालय के का का फुल फॉर्म भी बता दिया मिनिस्टर का नाम भी हमने यहां पे डिस्कस किया है और हु इज द करंट कॉमर्स मिनिस्टर उसको भी हमने डिस्कस किया चलते हैं अगली खबर की तरफ इंडिया टू होस्ट वर्चुअल समिट्स विद बांग्लादेश वियतनाम टू बूस्ट डिप्लोमैटिक टाइज तो यहां पर भारत जो है दिसंबर का महीना भारत के लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है क्योंकि विदेश नीति के तहत डिप्लोमेटिक चीजों के तहत रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर भारत जो है वो बांग्लादेश वियतनाम सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारे देशों के साथ भारत जो है वो एक विदेश नीति सेटअप करने जा रहा है जिसके कारण भारत पोस्ट कोविड पीरियड में मतलब कोविड में जो इकोनॉमी का नुकसान हुआ है या पॉलिटिकल टाई अप्स ऐसे कर सकें जिससे भारत को आने वाले वर्षों में विदेश नीति के अंदर भारत को ओवरऑल जरूर फायदा हो तो दिसंबर प्रॉमिस टू बी अनदर बिजी मंथ फॉर इंडियन डिप्लोमेसी तो भारत की डिप्लोमेसी के लिए दिसंबर का महीना भी काफी व्यस्त रहने वाला है क्योंकि पिछले महीने भी हम लोगों ने नेपाल मालदीव श्रीलंका के अंदर डिप्लोमेटिक मीटिंग्स करी हैं और दिसंबर के महीने में भी हम कुछ इस तरह की मीटिंग्स को अटेंड करने जा रहे हैं जिसमें भारत अपने प्रमुख देशों के साथ प्रमुख मित्र देशों के साथ भारत जो है अपने संबंध सुधारना चाहता है या और यू कहें इसे और मजबूत करना चाहता है तो दिसंबर प्रॉमिस टू बी अनदर बिजी मंथ फॉर इंडियन डिप्लोमेसी विद एटलीस्ट टू प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल समिट्स विद बांग्लादेश एंड वियतनाम एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के हेड प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात होगी सम्मिट होगा सम्मेलन होगा वार्ता होगी बातचीत होगी आल्सो इन द वर्क्स इज अ विजिट बाय फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप गायवाली और अभी नेपाल के विदेश मंत्री भी भारत को विजिट करेंगे जिसमें नेपाल और भारत के संबंधों के ऊपर चर्चा होगी देन इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने हु ऑन अ डे ट्रिप टू सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और हमारे आर्मी चीफ जो हैं जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने वो भी 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के लिए वो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई) के दौरे पे गए हैं जहां पर खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे अच्छे हों उसके उसको लेकर बातचीत को लेकर तो यहां पर इन जितने भी देशों का नाम आया है जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं ये आपने कंप्लीट करना है जैसे कि बांग्लादेश ऐसे ही जिस भी कंट्रीज का नाम आए हमने क्या करना होता है जैसे बांग्लादेश का नाम आया तो बांग्लादेश की कैपिटल इज ढाका बांग्लादेश की करेंसी इज टका बांग्लादेश की पीएम का नाम जो है वो है शेख हसीना ये कुछ बेसिक जानकारी होती है जो हमें जरूर हासिल करनी चाहिए किसी भी देश के बारे में या इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम हासिल कर सकते हैं जो हमारे पेपर में क्वेश्चन के तौर पर जरूर पूछा जा सकता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वियतनाम सऊदी अरेबिया यू और नेपाल के बारे में इसी तरह के फैक्ट्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ पीएम मोदी गेव इनागुरल एड्रेस एट वर्चुअल आई एम सी आई एम सी स्टैंड फॉर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 on 8 दिसंबर तो 8 से 10 दिसंबर को टेलीकम्युनिकेशन सेल्यूलर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भारत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस मतलब एक मीटिंग जो है उसका इनागुरल सेशन उसका उद्घाटनी सत्र जो है उसका उद्घाटन किन्होंने किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और अपनी बातचीत को भी रखा कि भारत जो है आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है सेल्फ रिलायंट कैसे बन सकता है इस सेक्टर के अंदर जिसके अंदर असीम संभावनाएं हैं अपार संभावनाएं हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव द इनागुरल एड्रेस एट द वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 ऑन 8 दिसंबर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए जो इनागुरल सेशन था उद्घाटनी सत्र जो था उसको उन्होंने एड्रेस किया वहां पर उन्होंने बातचीत करी तो ये ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड द सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार विभाग ने और Cellular ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको आयोजित किया इट हेल्ड फ्रॉम एट टू टेन दिसंबर आठ से दस दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ और इसका थीम क्या रखा गया किस विषय के ऊपर बात की गई इंक्लूसिव इनोवेशन मतलब नवाचार इनोवेशन जो है नए आइडियाज जो है उसका समावेश कैसे हो और उसके साथ हम स्मार्ट सिक्योर और सस्टेनेबल कैसे बने इट एम टू अलाइन टू द एम्स विजन टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ महीने पहले जो कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा तो वो आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब इंडिया मोबाइल कांग्रेस के तहत हम मोबाइल सेल्युलर टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बने डिजिटल इंक्लूसिविटी आए और डिजिटल समावेश के तहत डिजिटल इंडिया मिशन भी सफल हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सतत विकास हो जिससे आने वाली जनरेशन भी नेचुरल रिसोर्स के डिप्लीशन uh, के बगैर वो इन सब चीज़ों का बिल्कुल इंजॉय uh, कर सकते हैं इन चीज़ों को वो यूज़ कर सकते हैं एंटरप्रनरशिप और इनोवेशन नए आइडियाज और इनोवेशन कैसे आए इस सेक्टर के अंदर उसके ऊपर भी बातचीत करनी पड़ेगी कि देखिए अगर हम चाइना का बाइकट करते हैं मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि चाइनीज मोबाइल या चाइनीज प्रोडक्ट्स का अगर आप बाइकट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक आल्टरनेटिव भी क्रिएट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर कि बींग अ कंज्यूमर अगर मैं मोबाइल खरीदने के ऊपर पंद्रह बीस हजार या चालीस हजार रुपये खर्च कर रहा हूं तो मुझे वो क्वालिटी भी चाहिए जो अलग अलग कंट्रीज अपने मोबाइल ऑपरेटर्स को या मोबाइल कंज्यूमर्स को वो दे रही है तो वो चीज अगर अल्टरनेटिव आ जाए उसी चीज के ऊपर यहां पर बातचीत की गई है कि भारत इन क्षेत्रों में किस तरीके से स्मार्ट सिक्योर और सस्टेनेबल बने इंक्लूसिव ग्रोथ आए टेलीकम्युनिकेशन सेल्युलर सेक्टर जो है मोबाइल सेक्टर जो है भारत का बहुत ज्यादा आगे बढ़े तो उसको लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस कब से कब हुआ आठ से दस दिसंबर वर्चुअली किया गया और उसका उद्घाटन सत्र का उद्घाटन किन्होंने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और थीम जो है इसका जरूर पूछा जा सकता है अगली खबर की तरफ जरूर चलेंगे लेकिन सबसे पहले बच्चों के कमेंट्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं क्या रिव्यू है उनके और क्या क्वाइरीज है वो जरूर देख लेते हैं बिल्कुल गुड मॉर्निंग टू ऑल तो ऑफ यू सुष्मिता ब्रिजेश आयुषी हर्षवर्धन अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरीके से आप जो है जुड़े रहिए हमारे साथ और कोई भी क्वायरी हो उसे जरूर पूछें नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं इंडिया इन टॉप टेन परफॉर्मर्स ऑन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स जर्मनी बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जर्मन वॉच इसके अलावा कुछ और हैं हैं जिन्होंने एक index, एक इंडेक्स सूचकांक निकाला और उस सूचकांक के तहत बहुत सारे देशों के ऊपर एक इंडेक्स निकाला गया है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स तो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के अंदर टॉप टेन परफॉर्मर्स की अगर बात करें तो भारत का रैंक जो है इंडिया का रैंक जो है वो डेवलपिंग नेशंस में दसवें नंबर पे आया है टॉप टेन में भारत आया है और सबसे लास्ट पे यूएसए रहा है और यूएसए का रैंक जो है वो है सिक्सटी फर्स्ट सिक्सटी फर्स्ट रैंक रहा यूएसए का तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि इंडिया रिमेन्स इन द टॉप टेन फॉर द सेकेंड इन मतलब लगातार दूसरे साल भारत जो है टॉप टेन में रहा है लेटेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई विच इज रिलीज इन जर्मनी बाई जर्मन इंस्टीट्यूट जर्मन वॉच उसके द्वारा दो हजार पांच से ही इंडेक्सारब्लिश किया जाता है, पब्लिश किया जाता है और इस साल के इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया दसवें नंबर पे रहा है यूएसए जो है सबसे लास्ट पे आया है सिक्सटी फर्स्ट रैंक पर और बिगेस्ट करंट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज जिसका उत्सर्जन जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत घातक है उसमें भी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो चाइना जो है थर्टी थर्ड रैंक पे है और लार्जेस्ट पल्यूटर जिसको बोला जाता है यूएसए वो सबसे अंतिम पायदान पे है लेकिन भारत ने इसमें बहुत अच्छा योगदान किया है इन्वायरमेंट के प्रति पर्यावरण के प्रति तो भारत का रैंक जो है वो दसवां नंबर है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत भारत का क्या रैंक रहा है इस वर्ष तो भारत दसवें नंबर पर रहा है नेक्स्ट चलेंगे अगली खबर की तरफ आपको यह न्यूज बहुत ही आसान है कि जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत का क्या रैंक है इसके ऊपर बातचीत की गई है अगली खबर की तरफ चलते हैं कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स अंडर पीएम एम वाणी तो डिजिटल इंडिया मिशन को डिजिटल इंडिया मिशन को प्रमोट करने के लिए और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रधानमंत्री वाणी कार्यक्रम जो है उसको प्रमोट करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है तो इन बिट टू इंप्रूव कनेक्टिविटी को ज़्यादा किया किया जाए, Digital India mission को successful किया जाए, को यूनियन अप्रूव द कंट्री तो पब्लिक वाईफाई मतलब जन स्थानों के ऊपर पब्लिक प्लेसेस के ऊपर चाहे वो बस स्टैंड हो रेलवे स्टेशन हो या मार्केट्स हो वहां पर वाई नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया जाए और ज्यादातर ऐसे स्थानों पर या तो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर वाईफाई दिया जाए या तो फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया जाए जिससे यूथ और डिजिटल इंडिया जो है आपस में जुड़ सके और हमारी इकोनॉमी जो है इंटरनेट के माध्यम से रफ्तार पकड़ सके द वाई फाई विल बी प्रोवाइडेड थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिस फॉर विच देर विल बी नो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और एनी अदर फीस तो ये वाईफाई जो है ऑपरेट कहां से होगा पब्लिक डेटा ऑफिस से जिसके लिए किसी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन या फीस की जरूरत नहीं होगी द पब्लिक वाई फाई वॉज बींग रोल्ड आउट एज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाई फाई एक्सेस इंटरफेस तो पी एम पी एम स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर और डब्ल्यू एन आई वानी का मतलब क्या है यहां पर तो वानी का फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इज द फुल फॉर्म ऑफ वानी तो प्राइम मिनिस्टर वानी स्कीम को लॉन्च किया गया है वायरलेस कनेक्टिविटी को और इंप्रूव करने के लिए भारत में दिस विल बूस्ट इनकम एज एज वेल द यूथ गेट सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी तो ये आमदनी में भी बढ़ोतरी करेगा और इसके अलावा ये भारत के युवा वर्ग को एक बिना रुकावट के इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकेगा जिससे अगर हम बाजार में हैं या पब्लिक प्लेसेस पे भी हैं तो हमें इंटरनेट की पूरी सुविधा जो है वो मिल सके और ऑब्वियसली ये हमारे डिजिटल इंडिया मिशन जो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है एक स्कीम है उसको भी ये बूस्ट जरूर करेगा अगली खबर की तरफ चलते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज था पीएम वाणी स्कीम अगली न्यूज की तरफ कैबिनेट अप्रूव रूपीज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड टेन करोड़ फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना टू बूस्ट एंप्लॉयमेंट तो रोजगार को बढ़ाने के लिए क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की इंप्लॉयमेंट जो है बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है वो छिन गया है जिस कारण से भारत सरकार ने इस तरफ एक बेहतरीन कदम उठाया है जिसमें भारत सरकार जो है तेईस करोड़ रुपए का पैकेज देगा टू बूस्ट इंप्लॉयमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत योजना तो आपको अमाउंट याद रखना है कि कितना अमाउंट दिया गया है किस योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत टू बूस्ट इंप्लॉयमेंट तो यूनियन कैबिनेट ऑन नाइन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी गेव अ नॉट फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना टू बूस्ट इम्प्लॉयमेंट इन दमल सेक्टर तो जो स्थापित सेक्टर है और जो फॉर्मल सेक्टर है उसके अंदर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहां पर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत यूनियन कैबिनेट ने एक पैकेज अनाउंस किया है और वो पैकेज जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज थ्री पॉइंट ओ कुछ और पैकेजेस निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो है दो पैकेजेस अनाउंस किए गए थे भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तो ये तीसरा पैकेज है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जिसके तहत तेईस हजार आठ सौ दस करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे कि टू बूस्ट इम्प्लॉयमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और ये किन्होंने कहा एक कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी ने ये सारे वक्तव्य जो है वो दिए हैं द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ रूपीज 1584 करोड़ रुपीस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर तो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए पंद्रह करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है और रेस्ट 22,810 करोड़ रुपए मतलब कुल तेईस करोड़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहला पार्ट पंद्रह करोड़ वन करोड़ रुपीज जो है वो

टू इयर्स सब्सिडी देगा इंप्लाइज को यह सब्सिडी देगा जहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन तो किसी मान लीजिए प्रोविडेंट फंड में जो जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन और बारह परसेंट इंप्लॉयर का, का, का नियोक्ता का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा कब से कब तक के लिए एक अक्टूबर से तीस जून दो हजार इक्कीस तक के जिन इंप्लॉयज uh, को इसका घाटा पड़ा है या उनका रोजगार छिना है उनके लिए ऐसा किया जाएगा दो वर्षों तक के लिए तो आपको सिंपली इस न्यूज से क्या याद रखना है कि भारत सरकार ने कोविड के दौरान बेरोजगार हुए लोगों के लिए फॉर्मल सेक्टर के लोगों के लिए तेईस हजार आठ सौ दस करोड़ रुपए का एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एंप्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए रोजगार को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया है नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं अगली खबर की तरफ चलते हैं पीएम एड्रेस्ड ग्लोबल क्लाइमेट समिट टू मार्क फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट पैक्ट 2015 में एक अग्रीमेंट आया था पेरिस क्लाइमेट क्लाइमेट्रीमेंट उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रांसुआ ओलांद और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे तो उस समय फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसुआ ओलांद के द्वारा पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट की घोषणा की गई थी जिसमें उन्होंने प्रमुख देशों से अपील की थी कि वो ग्रीन हाउसेस गैसेस और ऐसे सभी गैसेस का उत्सर्जन एमिशन कम करें जिससे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है वो आने वाले वर्षों में कम हो जाए गिर जाए लेकिन आपको जैसा कि पता है कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उस एग्रीमेंट के ऊपर हामी तो भरी थी लेकिन उनके बाद जो प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए और उस समझौते को उन्होंने कैंसिल कर दिया तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैड सेट दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट एन ओवरनाइट नाइट फिनोमिना तो हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का भी कहना है कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रात का दृष्टिकोण या एक रात की बात नहीं है एंड इट टेकन द लास्ट हंड्रेड इयर्स टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इनवायरमेंट तो 100 वर्ष लग जाएंगे हमें इन्वायरमेंट के ऊपर जो हम इम्पैक्ट डालना चाहते हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं उसको लेकर तो ब्रीफिंग द मीडिया इन न्यू दिल्ली ऑन द ईव ऑफ कंप्लीशन ऑफ इयर्स तो 2015 में वो अग्रीमेंट हुआ था उसके पांच साल पूरे होने पर मिस्टर जावड़ेकर सेट क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रीसेंट बट ऑफ हिस्टोरिकल एक्शन तो कुछ हाल फिलहाल के एक्शंस इन्वायरमेंट के ऊपर उतना प्रभाव नहीं डालेंगे लेकिन कुछ ऐतिहासिक फैसले जो हैं जरूर इसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं ही सेड हिस्टोरिकली हैंज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल इमिशन सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन करता है यूएसए उसके बाद यूरोप ओवरऑल 22 परसेंट और चाइना थर्टीन परसेंट जबकि इंडिया जो है सिर्फ तीन परसेंट एमिशन ऐसा करता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो यह बड़े देशों की भी जिम्मेदारी है जिससे वो उन का उत्सर्जन कम जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है ये सारी बातें जो है पर्यावरण मिनिस्टर ने कहा कही है ग्लोबल क्लाइमेट समिट के दौरान जो पांचवी एनिवर्सरी मनाई जा रही है पेरिस क्लाइमेट पैक्ट का जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी एड्रेस करेंगे इस मीटिंग को तो चलते हैं स्टूडेंट्स के कमेंट्स की तरफ और देखते हैं कि उनकी क्या क्वाइरीज है या क्या कमेंट्स हैं उनके अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग आदाब आप सभी को नमस्कार और जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल सही आयुषी जी नेपाल की कैपिटल इज काठमांडू और उसकी करेंसी रुपया है बिल्कुल सही और बहुत बढ़िया आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल मेक माई एग्जाम को भी जरूर सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर के ऊपर जाकर एग्जाम एक ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें। चलते हैं अगली की तरफ, तो उस्बेक, Country, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था तो उज्बेकिस्तान और भारत ने अभी रिसेंटली एक वर्चुअल सम्मेलन को उन्होंने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस वर्चुअल समिट को अटेंड किया जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं तो पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान शौकत तो शौकत हेल्ड अ वर्चुअल समिट तो और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मीटिंग करी है दिस वॉज दल वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड अ सेंट्रल एशियन कंट्री तो सेंट्रल एशियन कंट्री उज्बेकिस्तान के साथ भारत की ये पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है द लीडर्स डिस्कस दिस एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बायलिटरल रिलेशनशिप तो यहां पर दोनों नेताओं ने पूरे द्विपक्षीय संबंधों की बात करी ओवरऑल द्विपक्षीय संबंधों की बात करी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनिंग इंडिया उजबेकिस्तान कोऑपरेशन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड तो कोविड के बाद जो इकोनॉमी है सोशल और पॉलिटिकल हमारा जो एक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर किस तरीके से भारत और उजबेकिस्तान एक दूसरे का सहयोग कर सकता है और एक दूसरे को मजबूती प्रदान कर सकता है इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स मिस्टर मोदी सेड अपने शुरुआती वक्तव्य में मिस्टर मोदी जी ने क्या कहा इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान आर टू रिच सिविलाइजेशन भारत और उज्बेकिस्तान जो है बहुत ही रिच सिविलाइजेशन सभ्य देश है सभ्यता वाला देश है एंड बोथ हैव बीन इन कंस्टेंट कॉन्टेक्ट सिंस एंशियंट टाइम्स और पुराने समय से ही इंडिया उज्बेकिस्तान जो है वो दोस्त रहे हैं और बिल्कुल समीप रहे हैं ही सेट देर इज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोच ऑफ बोथ कंट्रीज टू द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द रीजन तो इस क्षेत्रों को समझने के लिए इस क्षेत्रों की समस्याओं को समझने के लिए दोनों देशों के अंदर आपसी समझ जो है वो काफी समान है और जैसा कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं कि भारत की जो बॉलीवुड मूवीज हैं वो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज में राज कपूर की फिल्में हमारे भारत की मूवीज भारत के गाने बॉलीवुड मूवीज जो है बहुत फेमस है जिस वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है आ, काफी सिमिलर और काफी समान है मिस्टर मोदी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया हैज बीन वेरी उजबेकिस और भारत और का रिश्ता जो है वो और मजबूत होगा आने वाले समय में स्पेशली पोस्ट कोविड पीरियड के दौरान तो यहां पे उजबेकिस्तान का जिक्र हो रहा है तो उजबेकिस्तान की कैपिटल इज ताशकंत वही एरिया है आ, जो पहले यूएसएसआर के अंदर आता था जब 1966 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी अनफॉर्चुनेटली तो कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान इज ताश्क और उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है सोम सोम इज द ऑफ उज्बेकिस्तान। अगली खबर की तरफ चलते हैं फाइजर सीक्स इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर इट्स कोविड 19 वैक्सीन इन इंडिया अभी रिसेंटली यूके की कंपनी है फाइजर और फाइजर ने वैक्सीन जो है वो निकाल लिया है कोरोना कोरोना वायरस का कोविड का और उन्होंने तो लगाने भी शुरू कर दिए वैक्सीन यूके के अंदर तो यूके और बहरीन ने तो उनको मंजूरी दे दी है तो अभी फाइजर ने एक एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है उसकी उन्होंने अपील करी है इंडिया के डी से ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है उनसे उन्होंने अपील की है कि फाइजर को इमरजेंसी यूज में वैक्सीन कोरोना वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल करने की छूट दी जाए तो फाइजर वन ऑफ द वर्ल्ड प्रीमियर बायो फार्मास्यूटिकल ऑथराइजेशन फॉर इट्स कोविड नाइनटीन वैक्सीन इन इंडिया तो फाइजर जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्होंने भारत से परमिशन ली है कोविड नाइनटीन वैक्सीन को यूज करने की वो भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन

एंड एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर इट्स कोविड 19 वैक्सीन इन द कंट्री तो फाइजर इंडिया जो है पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई है जिसने डीसीजी जो है उनसे परमिशन ली है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से उन्होंने यहां पर परमिशन ली है आफ्टर इट्स पेरेंट कंपनी सिक्योर्ड सच क्लियरेंस इन द यूके एन बहरीन और इनकी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने यूके और बहरीन से ऑलरेडी ये परमिशन ले, ले चुके हैं और कल भारत ने दिशा निर्देश भी जारी किया है कोरोना वैक्सीन को लेकर कि आने वाले समय में जब भी कोरोना वैक्सीन भारत के अंदर इसका टीकाकरण शुरू होगा तो सौ लोगों का एक केंद्र पर कम से कम एक दिन में सौ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा एक सुई आ, एक बार और उसका एक बार इस्तेमाल इस तरीके से उन्होंने इसका एक टैग लाइन भी लॉन्च किया है जिसके तहत सौ uh, लोगों का टीकाकरण जो है वो किया जाएगा जिसमें प्रमुखता दी जाएगी पचास से साठ वर्षों के वृद्धों को फिफ्टी ईयर से सिक्सटी ईयर और सिक्सटी ईयर से अवव वृद्धों को इसमें जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी और स्पेशली उन बुजुर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी जिनको शुगर बीपी और कई अन्य तरह की बीमारियां ऑलरेडी है तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और फिर ये वैक्सीन जो है वो लगाया जाएगा देन कुछ अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं कुछ नियुक्तियों की तरफ चलते हैं और इन नियुक्तियों में सबसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट है सिंपल आपसे अपॉइंटमेंट का न्यूज बहुत सिंपल पूछा जाता है कि बताइए फलाना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चेयरमैन या पर्टिकुलर कोई सीईओ कौन बने हैं तो यहां पर है एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उनकी चेयरपर्सन कौन बनी है तो सीनियर आई ऑफिसर वर्षा जोशी The government of India appointed varsha joshi as the new chairperson of National Dairy Development Board. She replaced dilip rath on completion of his tenure on November 30. to dilip rath ka जो है completion हो गया था, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद वर्षा जोशी IS officer को NDDB का chairperson बनाया गया है. जोशी जो है फिलहाल joint secretary है Department of Animal Husbandry. डेरिंग मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भारत सरकार के पशुपालन डेरी और फिशरी मछली पालन मंत्रालय के अंदर वो सेक्रेटरी के पोस्ट पर उनके साथ साथ एनडीबी का चेयरपर्सन भी बनाया गया है तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है तो एनडीडीबी 1965 में ये स्टैब्लिश हुआ था और इसके फाउंडर कौन थे तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का फादर किसे कहा जाता है वर्गीस कुरियन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट वर्गीस कुरियन वॉज दी फाउंडर ऑफ एनडीडीबी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है गुजरात का एक गांव आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है एनडीडीबी के बारे में हमने आपको क्विक फैक्ट्स बता दिया जानकारी दे दी है स्टैब्लिश हुआ था 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और इसके फाउंडर थे वर्गीस कुरियन जिनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है और हेडक्वार्टर कहां पर है एनडीडीबी का आनंद गुजरात नेक्स्ट चलते हैं रिटायर्ड अगेन अपॉइंटमेंट की खबर रिटायर्ड आई ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा लोकसभा का महासचिव बनाया गया है उत्पल कुमार सिंह जो कि रिटायर्ड आई ऑफिसर है तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला तो लोकसभा के स्पीकर कौन है ओम बिड़ला अपॉइंटेड उत्पल कुमार सिंह एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोअर हाउस दैट इज लोकसभा सिंह हैज ऑल्सो बीन अपॉइंटेड टू द लोकसभा सेक्रेटेरिएट इन द रैंक एंड स्टेटस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर वन तो इनका रैंक जो होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगा उत्पल कुमार सिंह इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर फ्रॉम 1986 बैच विथ 34 फोर ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो इनको प्रशासनिक सेवाओं का 34 वर्षों का एक्सपीरियंस है 86 बैच के आईएएस ऑफिसर ही इज रिप्लेसिंग स्नेहलता श्रीवास्तव एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इनसे पहले उत्पल कुमार सिंह की नई अपॉइंटमेंट हुई है उनसे पहले लोकसभा की महासचिव कौन थी स्नेहलता श्रीवास्तव सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा लोकसभा की पहली सेक्रेटरी जनरल थी स्नेहलता श्रीवास्तव जिनकी अपॉइंटमेंट दो हजार सत्रह में हुई थी और इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उत्पल कुमार सिंह को वो जिम्मेदारी सौंपी गई है नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ चाइना बिकम सेकेंड कंट्री टू इट्स फ्लैग ऑन मून एज ई टेक्स ऑफ फॉर अर्थ तो चाइना जो है यूएसए के बाद पहला देश अमेरिका था यूएसए था जिसने चांद पर अपना झंडा फहराया था तो चाइना हैज बिकम द सेकंड कंट्री टू प्लांट इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द मून सरफेस बिफोर चाइना चैंग ई फाइव प्रोब टूक ऑफ फ्रॉम द मून टू रिटर्न टू अर्थ अ चाइनीज नेशनल फ्लैग अन्फर्ल फ्रॉम द लैंडर अ सेंडर कॉम्बिनेशन तो वहां पर एक जो उन्होंने सैटेलाइट भेजा था एक जांच करने के लिए चांद के सतह की जांच करने के लिए जो एक जांच सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम था चैंग ई e फाइव जब वो धरती पर वापस अब लौट रहा है तो लौटने से पहले उसने चांद की सतह पर झंडा फहराया तो आपसे सिंपल न्यूज पूछा जाएगा कि चाइना ने अभी रिसेंटली मून के ऊपर अपना झंडा फहराया है और वो ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन चुका है पहला देश यूएसए अगली खबर की तरफ चलते हैं आदर पूनावाला सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे नेम्ड एज एशियन ऑफ द ईयर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है जिस कारण से कोविड शील्ड नाम की ये दवाई बना रहे हैं कोविड शील्ड तो कोविड शील्ड नाम की जो दवाई बना रहे हैं उसी दवाई को बनाने को लेकर सिंगापुर का एक न्यूज है द स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर का न्यूज पेपर स्ट्रेट टाइम्स उनके द्वारा हमारे पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा तो आदर पूनावाला द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैनुफेक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैनुफैक्चर बोला जाता है सीरम इंस्टीट्यूट को उसके सीईओ आदर पूनावाला को इज अमंग सिक्स पीपल नेम्ड एशियन ऑफ द ईयर छह और लोगों के साथ इनको एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है सिंगापुर डेली सिंगापुर के डेली uh, अखबार प्रतिदिन यह अखबार छपती है द स्ट्रेट टाइम्स फॉर योर वर्क इन फाइटिंग द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक तो कोविड नाइनटीन महामारी को से लड़ने के लिए उनको सिंगापुर के इस अखबार के द्वारा एशियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाएगा पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बेस्ड ये इंस्टीट्यूट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ और ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ इन्होंने कोविड नाइनटीन वैक्सीन जो है वो बना रहे हैं जिसका नाम है कोविडशील्ड एंड इज कंडक्टिंग ट्रायल्स इन इंडिया जिसका ट्रायल जो है वो इंडिया में ले रहे हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो स्वीडिश स्वीडन बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है एस्ट्राजेनेका uh, उनके साथ मिलकर दवाई बना रहे जिसका ट्रायल इंडिया में ले रहे हैं तो इन प्रयासों के कारण सिंगापुर के इस अखबार ने आदर पूना वाला सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट को उन्होंने एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा की है नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ आर्मी चीफ जनरल एम एम नरवाने मनोज मुकुंद नरवाने विजिटेड यू एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया तो रिसेंटली आर्मी चीफ जो है नौ दिसंबर से तेरह दिसंबर के लिए वो यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं जहां पर वो गल्फ रीजन खाड़ी देशों के अंदर भारत के संबंधों को सुधारने के लिए गए हैं तो आर्मी चीफ जनरल उनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद विजिटेड एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्टार्टिंग द विजिट इज हिस्टोरिक इन द सेंस दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन आर्मी चीफ इज विजिटिंग यू एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ये विजिट जो है वो बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार आर्मी चीफ को यू और सऊदी अरेबिया भेजा गया है जनरल नरवाने विजिट द यू फ्रॉम नाइन टू टेन दिसंबर ऑफ दिस मंथ नाइन और दस दिसंबर को वो यू में होंगे ही शेड्यूल टू कॉल ऑन सीनियर मिलिट्री ऑफिशियर ही डिस्कस्ड एवेन्यूज फॉर एनहैंसिंग इंडिया यूएई डिफेंस रिलेशंस। तो भारत और यूए का जो रक्षा संबंध है उसको सुधारने के लिए 9-10 दिसंबर को उन्होंने मीटिंग करी वहां के ऑफिशियल्स के साथ आर्मी चीफ फर्दर ट्रेवल टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर द सेकंड लेग ऑफ इज टूर फ्रॉम थर्टीन तो तेरह दिसंबर को ये कहां पर मौजूद रहे तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में द आर्मी चीफ विजिटेड द ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्स फोर्स कमांड एंड किंग अब्दुल अजीज वॉर कॉलेज तो किंग अब्दुल अजीज वॉर कॉलेज और वहां के रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के हेडक्वार्टर्स में भी वो गए जहां पर भारत और सऊदी अरेबिया के रक्षा संबंधों के ऊपर उन्होंने बात की तो यूएई और सऊदी अरेबिया की कैपिटल और करेंसी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द द कैपिटल ऑफ ऑफ यूए यूए एंड 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 सऊदी सऊदी अरेबिया अरेबिया व्हाट आर करेंसी नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ सिंगापुर टू होस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन मे टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है एक इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर के बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो दुनिया के पॉलिटिशियंस के साथ पीएम प्रेसिडेंट के साथ एक बैठक कर सके और व्यापार के ऊपर बिजनेस के ऊपर ट्रेड के ऊपर वो बातचीत कर सके कि किस तरह के कानून रूल्स रेगुलेशंस जो है वो इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमी के लिए बिजनेस के लिए ट्रेड के लिए बनाए जा सकते हैं तो ये मीटिंग जो है पहली बार सिंगापुर में होने जा रहा है अक्सर ये मीटिंग हर साल सिंगापुर स्विट्जरलैंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम Uh, की मीटिंग जो है हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में होती है लेकिन इस साल मतलब अगले साल 2021 मई में यह मीटिंग कहां पर होगी सिंगापुर में तो सिंगापुर विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग नेक्स्ट में विल सी टॉप पॉलिटिकल बिजनेस एंड एकेडमिक लीडर्स गैदर टू डिस्कस प्रेजेंट प्रेसिंग ग्लोबल इशूज तो अभी जो ग्लोबल इश्यूज हैं जिसमें पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी के हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं इसको लेकर राजनीतिज्ञ व्यापारी वर्ग और जो एकेडमिक वर्ग है वो इसके ऊपर बात करेगा मई 2021 में और में, ये मीटिंग कहां पर होगी सिंगापुर में अक्सर ये मीटिंग दावोस स्विट्जरलैंड में होती है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है लेकिन इस बार 2021 में इस मीटिंग को सिंगापुर में होस्ट किया जाएगा द स्पेशल एनुअल मीटिंग टू विल बी प्लेस फॉर लीडर्स फ्रॉम बिजनेस गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी टू मीट इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ द ग्लोबल पेंडेमिक तो इस वैश्विक महामारी के बाद पहली बार ये सभी वरिष्ठ लोग जो है 2021 मई में मिलेंगे और बिजनेस ट्रेड इकॉनमी को कैसे रिवाइव किया जाए मजबूत बनाया जाए उसके ऊपर बात करेंगे तो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन इज नीडेड मोर देन एवर टू रीबिल्ड ट्रस्ट एंड एड्रेस द फॉल्ट लाइन दैट इमर्ज इन ट्वेंटी तो यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ही हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं और यह भी देखा जाएगा कि फॉल्ट लाइंस गलतियां क्या हुई हैं 2020 में उन गलतियों को भविष्य में कैसे सुधारा जा सकता है इन सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी तो कमेंट बॉक्स की तरफ चलते हैं और फिर चलेंगे कुछ अगली खबरों की तरफ बिल्कुल सही है सऊदी अरेबिया की कैपिटल इज रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल इज रियाद करेंसी इज रियाल। और यूएई की कैपिटल इज धाबी और करेंसी इज दिरहमाम यू की कैपिटल इज नॉट दुबई यू की कैपिटल इज अबू धाबी और उनकी करेंसी है दिरहमाम बिल्कुल सही वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड माय एफर्ट और ये आपकी वजह से ही है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और हम हर वीक की खबर जो है उनके समक्ष पहुंचाते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देन माउंट एवरेस्ट डिक्लेयर एटी सेंटीमीटर टॉलर बाय नेपाल एंड चाइना तो अभी रिसेंटली नेपाल और चाइना के द्वारा माउंट एवरेस्ट और हिमालयन रेंज जो है माउंटेन रेंज ये सबसे यंगेस्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अभी भी बढ़ रहे हैं तो 1954 में इंडिया ने इसको नापा था और उस प्रीवियस मेजरमेंट के बाद इस साल 2020 में नेपाल और चाइना ने 86 सेंटीमीटर से इसको बढ़ा दिया है मतलब 86 सेंटीमीटर बढ़ गया है ये न्यू मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो नेपाल एंड चाइना ऑन एट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी

तो एक बड़ा ही एस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपालीज जो है माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं वट लोकलाइट वट नेपाली कॉल्ड माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जो है एक ब्रिटिशर एक अंग्रेज सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर यह पड़ा था नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा था लेकिन वहां के नेपाली लोग वहां के लोकल लोग माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं सागर माथा नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं जो हमारे पेपर में भी पूछा जाता है यह क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपलॉर्ड इंडिया फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन तो क्लैरियन एक मुहिम चलाई गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा टू ऑल इंडियंस इंडियन फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज हैज रिसीव्ड प्रेज फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो डब्ल्यू के द्वारा इसे प्रेज किया गया ट्वीट this fitness campaign. सेल एक्टिविटी घंटा भी अगर हम रोज एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉ होगा और इम्यूनिटी स्ट्रॉग होगा तो कोविड नाइनटीन से हम लड़ सकेंगे तो डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस कैंपेन की तारीफ की है तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये एक मुहिम चलाई गई थी उसकी तारीफ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है तो आपको सिंपली ये वाला हेडलाइन जो है उसे याद रखना है नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं जो बाइडन इंटेंडेड टू नॉमिनेट इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन एज चीफ ऑफ बजट टीम जो जो ऑफ यूएसए इलेक्ट हुए हैं उन्होंने एक इंडियन को चीफ ऑफ बजट टीम अपने बजट टीम का चीफ बनाया है जिनका नाम है नीरा टंडन तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन इंटेंडेड टू नॉमिनेट इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन एज द डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट तो वो अभी इंटेंड कर रहे हैं वो अभी सोच रहे हैं और डेफिनेटली वो नीरा टंडन जी को डायरेक्टर ऑफ दी ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट का चीफ बनाएंगे अ टॉप पोजीशन इनसाइड द व्हाइट हाउस रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द देश बजट अकॉर्डिंग टू लोकल मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां पर ये एक टॉप मोस्ट पोस्ट है बजट और एडमिनिस्ट्रेटिव बजट और इस सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ये टॉप मोस्ट पोस्ट है जो एक इंडियन ओरिजन की महिला नीरा टंडन को दिया जाएगा इफ इफ कंफर्म बाय द यूएस Ms. Tundon, 50, would वुड बी द फर्स्ट of ऑफ कलर टू हेड द इन्फ्लुएंशियल ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट एट White हाउस अगर ऐसा हो जाता है तो वो ऐसा पाने वाली प्रथम महिला बन जाएंगी मिस टंडन इज करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द लेफ्ट लीनिंग सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस तो अभी करंटली वो चीफ है किस चीज की तो सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस तो मतलब एक ऐसा केंद्र जो अमेरिका की प्रगति के ऊपर ध्यान देता है उनकी अभी वो चीफ एग्जीक्यूटिव है लेकिन अभी जो बाइडन ने ये इंटेंट किया है कि वो उनको बजट का भी चीफ बनाएंगी इनका शूज तो बाटा जो है वो इंडियन कंपनी नहीं है अक्सर हम लोगों को धोखा हो जाता है बाटा एक स्विस बेस्ड कंपनी है स्विस मतलब स्विट्जरलैंड में ये रजिस्टर्ड कंपनी है और मूल रूप से ये ऑस्ट्रिया हंगरी और जो पहले चेको स्लोवाकिया हुआ करता था चेक रिपब्लिक वहां की कंपनी है ये मूल रूप से लेकिन ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है स्विट्जरलैंड में इनका मेन हेडक्वार्टर है ऑफिस है तो बाटा ने पहली बार फर्स्ट इंडियन को उन्होंने अपॉइंट किया है एज अ ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा शूज और उनका नाम है संदीप कटारिया तो फुटवेयर मेजर बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन ऑन थर्टी नवंबर अनाउंस दी अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप कटारिया एज द कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Effective immediately तो आपको सिंपली याद रखना है कि बाटा शूज़ अपना CEO किसको बनाया तो बनाया है तो एक इंडियन को जिनका नाम है संदीप कटारिया की तरफ चलते हैं एंड कमलाइडन एंड वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट फीमेल वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमला हैरिस ज्वाइंटली नेम्ड एज टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ ईयर टाइम मैगजीन बहुत ही फेमस मैगजीन है उनके द्वारा हर साल पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है इस साल इन दोनों को कलेक्टिवली जो बाइडन और कमला हैरिस को कलेक्टिवली उन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो चुना है। Then, Sonu Soodh, tops 50 सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट तो सोनू सूद ने अपने फिलानिक और सोशल माइग्रेंट वर्कर्स की जो उन्होंने हेल्प करी है तो 50 एशियन सेलिब्रिटीज एक वर्ल्ड लिस्ट निकाली गई है जिसमें 50 एशियन सेलिब्रिटीज में सोनू सूद हमारे इंडियन एक्टर का भी नाम है तो इंडियन एक्टर सोनू सूद हैज बीन द नंबर वन साउथ एशियन सेलिब्रिटी तो नंबर वन साउथ एशियन सेलिब्रिटी उनको माना गया है नंबर वन साउथ एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड फॉर इलाफिक एफर्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोविड नाइनटीन पेंडेमिक दिस ईयर इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रैंकिंग रिलीज इन लंडन ऑन वेन्सडे तो लंडन में यह रैंकिंग निकाली गई है एशिया के पचास सेलिब्रिटीज की तो एशिया में हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो है साउथ एशिया तो साउथ एशिया में नंबर वन ये सेलिब्रिटी के तौर पर चुने गए हैं अपने बेहतरीन कोविड कोविडीन के दौरान मजदूरों की हेल्प करने को लेकर देन एक्सिस एक्सिस बैंक बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद करने के लिए हमारे भारत का लीडिंग प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने एक एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस कार्ड जो है उसे लॉन्च किया है तो एक्सिस बैंक लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद रूपी फाई एंड वीजा क्सिस बैंक रूपी फाइव बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर एमएसएमई दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस छोटे मध्यम और लघु उद्योग के लिए उन्होंने ऐसा किया है दिस कॉन्टैक्ट लेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाई विजा वीजा इज एन अमेरिकन कंपनी एप्लीकेबल ओनली टू द एमएसएमई बिजनेस तो यह सिर्फ एमएसएमई बिजनेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा दैट ट्रांजेक्ट ऑन दी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पार्टनर विद रूपी फाइव पैन तो रूपी फाइव पैन के साथ परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ ही अटैच होगा जो कि एक इंडिया का एक बॉडी है फॉर देयर बिजनेस परचेजेस तो किसी भी तरह की बिजनेस डील के अंदर इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एमएसएमई कर सकेंगे द कार्ड ऑफर्स क्रेडिट सोल्यूशन टू सच एमएसएमई इट इज ओनली फॉर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और सिर्फ ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए यूज होगा और यहां पर क्रेडिट सोल्यूशन उधार और सारी चीजें जो है उस चीज का भी ख्याल रखा जाएगा कि क्रेडिट अगर लेना हो लोन लेना हो तो वो भी इस कार्ड के थ्रू लिया जा सकता है तो ये स्टार्ट किस बैंक ने किया है तो एक्सिस बैंक ने इसको स्टार्ट किया है नेक्स्ट चलते हैं फिच रिवाइज इंडिया जीडीपी फोरकास्ट टू माइनस नाइन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया का जीडीपी जो है माइनस टेन पॉइंट फाइव परसेंट पे रहेगा 2020-21 एक साल का पूरा लेकिन अब उन्होंने माइनस दस पॉइंट पांच से रिवाइज करके चेंज करके पे वो लेकर इसे आ गए तो आपको सिंपली याद रखना है कि ने अभी इंडिया का जो है, उसे रिवाइज किया है था, था, तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स की तरफ और फिर चलेंगे कुछ और न्यूज और फिर आज के एमसीक्यूज की तरफ क्विज की तरफ चलिए अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और चलते हैं अगली खबर की तरफ इन्वेस्ट इंडिया विंस यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी तो भारत की एक बॉडी है जो भारत में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, उस को, uh, दिया गया है के और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनसीटी एडी के द्वारा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड किसे दिया गया है भारत में इन्वेस्टमेंट इंडिया नाम की बॉडी को तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड इन्वेस्ट इंडिया और नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की एक बॉडी है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भारत सरकार की मदद करती है सुझाव देती है तो उनको यह अवार्ड दिया गया है 2020 का यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड और यह अवार्ड जो है गिवन बाय यूएनसीटीएडी दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड किसे दिया गया है एक गवाह प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की भारत जो है पूरे विश्व में एक प्रेफर्ड एक आप कह सकते जहां पर प्रेफर किया जाता है निवेश करने के लिए सभी निवेशक जो है प्रेफर करते हैं इंडिया को यह एक साक्ष्य है यह अवार्ड तो यहां पे मोदी जी ने इन्वेस्ट इंडिया को कंग्रेचुलेट भी कहा है और अपनी सरकार के काम को उन्होंने सराहा है जिसमें सरकार यह बताने में कामयाब रही है कि भारत एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है राजकमल झा विंस रविंद्रनाथ टेगौर लिटरेरी प्राइज फॉर द सिटी एंड द सी इंडियन एक्सप्रेस के फेमस जर्नलिस्ट एडिटर राजकमल झा जिनको रविंद्रनाथ टेगोर अवार्ड दिया गया यह तीसरा एडिशन था 2018 में इस अवार्ड की शुरुआत की थी यूएस बेस्ड पब्लिशर बुंडालो ने बुंडालो नाम का एक यूएस बेस्ड पब्लिशर है जिन्होंने इस अवार्ड की शुरुआत की थी 2018 में तो इस साल यह अवार्ड थोड़ा लेट जरूर हुआ लेकिन इस साल का यह अवार्ड किसे दिया गया है कमल झा को तो जर्नलिस्ट ऑथर कमल झा हैज वन दर्ड रविंद्रनाथ टेगोर लिटरेरी प्राइज फॉर इज नॉवल द सिटी एंड द सी ऑर्गेनाइजर एंड पब्लिशर पीटर बुंडालो तो पीटर बुंडालो जो एक यूएस बेस्ड पब्लिशर है उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है ड्यू टू द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक विनर ऑफ द फाइव थाउजेंड डॉलर प्राइज वॉज अनाउंस ऑनलाइन इन कोपन हेगन डेनमार्क तो डेनमार्क की कैपिटल कोपन हेगन से यह प्राइस ऑनलाइन अनाउंस किया गया जिसमें पांच हजार डॉलर का

अब ये 24 घंटे सातों दिन काम करेगा 24 फोर इंटू काम करेगा तो ये बहुत बड़ी न्यूज है आरटीजीएस एक ऑनलाइन ऑनलाइन फंड ट्रांसफर स्कीम है जिसमें आप ऑनलाइन अपने फंड को अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो मिनिमम जो है आप दो लाख रुपए इसमें ट्रांसफर कर सकते हो मिनिमम टू लाख रुपीज ही ट्रांसफर कर सकते हैं इससे कम नहीं और मैक्सिमम जितना मर्जी आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन मिनिमम दो लाख रुपए से मैक्सिमम देर इज नो लिमिट आप ट्रांसफर कर सकते थे पहले सात बजे से शाम के छह बजे तक लेकिन अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब रियल टाइम में विद इन अ क्लिक ये पैसा जो है आप विद इन इंडिया कहीं पर भी भेजना चाहते हैं ये पहुंच सकता है तो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की पहले टाइम लिमिट थी लेकिन अब आरबीआई ने इस टाइम लिमिट को हटा दिया है और अब इसे 24/7 बेसिस पे इसे 14 दिसंबर की मध्य रात्रि से इसे स्टार्ट कर दिया है देन किरण रिजिजू लॉन्च ए सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन तो हमारे स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू तो खेल मंत्री ने सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है फिट इंडिया साइक्लोथॉन वाया सोशल सोशल मीडिया मीडिया के के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए उन्होंने साइक्लोथॉन द मेगा साइक्लिंग इवेंट तो साइक्लोथॉन एक साइक्लिंग इवेंट है विच स्टार्टेड यस्टरडे विल रन फॉर ट्वेंटी फाइव डे टिल थर्टी फर्स्ट दिसंबर तो इसे स्टार्ट किया गया है पच्चीस दिनों के लिए ये इकतीस दिसंबर तक ये मेगा साइक्लिंग इवेंट होएगा और साइक्लोथॉन किरण रिजिजू के द्वारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा से स्टार्ट किया गया द द इवेंट विल बी हेल्ड अक्रॉस कंट्री इन ईच डिस्ट्रिक्ट तो हर जिले में ये आयोजित होगा सिटीजन कैन पार्टिसिपेट बाई रजिस्ट्रिंग ऑन फिट इंडिया वेबसाइट और कोई भी नागरिक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वेबसाइट फिट इंडिया के ऊपर रजिस्टर करवाकर और दे मे टैग एट फिट इंडिया ऑफिशियल एंड यूज द हैश टैग फिट इंडिया साइक्लोथॉन एंड न्यू इंडिया फिट इंडिया इस तरह के हैश से वो अपने आप को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं साइकिल चलाने का क्रेज जो है बहुत ही कम उम्र के थे ये कॉरी एंडरसन जो है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया एंडरसन जो है उनका नाम सबसे पहली बार आया था हंड्रेड इन हिस्ट्री ऑफ वनडे इंटरनेशनल थर्टी सिक्स बॉल में उन्होंने हंड्रेड मारा था ठीक है और इसके अलावा उन्होंने फास्टेस्ट आ, फास्टेस्ट उस समय जो था उसके बाद एवी डिविलियर्स वगैरह ने यह रिकॉर्ड को तोड़ दिया लेकिन कोरी एंडरसन उस समय बहुत न्यूज में आए थे बहुत ही आक्रमक ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और ऑलराउंडर क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है देन गवर्नमेंट टू स्टार्ट थाउजेंड खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स टू एनकरेज स्पोर्ट्स कल्चर इन कंट्री तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है कि गवर्नमेंट हैज मेड वेरियस पॉलिसी चेंजेस एंड 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 टेकन अप इनिशिएटिव टू सपोर्ट स्पोर्ट्स पर्सन द स्पोर्टिंग कम्युनिटी इवन आफ्टर दे रिटायर तो इसके तहत उन्होंने एड्रेसिंग टेंथ ग्लोबल स्पोर्ट्स टर्फ ट्वेंटी तो दसवें ग्लोबल स्पोर्ट्स सम्मेलन के दौरान जिसका नाम उन्होंने टर्फ दो हजार रखा ऑर्गेनाइज बाय फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा से ऑर्गेनाइज किया गया मिस्टर रिजिजू ने कहा कि वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग थाउजेंड खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स तो छोटे छोटे खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स हमारे इंडिया में हजार ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे और वो पर्सन आगे हमारे इंडिया में खेल के शेप को बदलेंगे नए खिलाड़ियों को वो तैयार करेंगे वेटरन हिंदी राइटर मधुकर गंगाधर पासिस तो वेटरन बुजुर्ग हिंदी राइटर मधुकर गंगाधर पासिस इन हॉस्पिटल इन द नेशनल कैपिटल ही वॉज एटी एट ईयर ओल्ड मिस्टर गंगाधर वॉज बॉर्न इन बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑन 7 जनवरी 1932. थर्टी टू ही इज लास्ट राइट परफॉर्म एट इज नेटिव प्लेस और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं मोतियों वाले हाथ हिरना की आंखें और कुछ इनके किताबें हैं और ये इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी इंडिपेंडेंट राइटर के तौर पर काम किया है तो मधुकर गंगाधर जो है एक हिंदी राइटर जिनकी रिसेंटली मौत हुई है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं कि मधुकर गंगाधर जो रिसेंटली जिनकी मृत्यु हुई है वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे

और यहां पर उनके योगदान को भी देखा गया और सराहा गया और रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने भी श्रद्धांजलि जो है बी आर अम्बेदकर जी को दी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है सेवन दिसंबर को हर साल मनाया जाता है हर साल ऑन सेवन दिसंबर एवरी ईयर इन इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट द फंड पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ तो हम याद होगा आपको पांच रुपए या पता नहीं सात या दस रुपए लिए जाते हैं हम लोगों को भी इस दिन टिकट जो है वो बेची जाती थी एक स्टैम्प uh, टिकट जो है इन लोगों का बेचा जाता था आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे करके सेवन दिसंबर को जिससे फंड जनरेट किया जाता था ऑल ओवर इंडिया में इनके स्टाफ के लिए तो सेवन दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है वो मनाया जाता है पीएम मोदी टू इनागोरेटेड प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑन नाइन्थ जनवरी टू तो नौ जनवरी दो को जो है प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे कहा जाता है क्यों क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो उसकी यादगारी में आ, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो इस साल भी इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी और इस साल का थीम क्या रखा जाएगा दो का कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत ठीक है तो इस तरीके से ये किया जाएगा ह्यूमन राइट्स डे जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यूडीएचआर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है 1948 में इसी दिन को लिया गया था जिस कारण से हर साल 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है और किसी भी तरीके से हम किसी के साथ भेदभाव ना करें चाहे वो रेस कलर रिलीजन सेक्स लैंग्वेज हो तो उस आधार पर हम सभी के साथ बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करें यही हमें मानवाधिकार जो है ये बताता है देन यूनिसेफ डे लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे यूनिसेफ डे जो है इलेवन दिसंबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड जो है ऑन एवरी ईयर ऑन इलेवन दिसंबर को तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्रिएटेड यूनिसेफ ऑन इलेवन दिसंबर फोर्टी सिक्स एड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड तो बच्चों के लिए उस समय जो बच्चे विस्थापित हो गए थे उनको किस तरीके से स्थापित किया जाए और उनके लिए ये इमरजेंसी फंड यूज किया जाए तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई तो हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे जो है वो मनाया जाता है तो इसी के साथ आज का न्यूज खत्म होता है और आज ही के सेशन को रिवाइज करने के लिए हम क्विज की तरफ चल पड़ते हैं और फर्स्ट क्विज ये रहा आपके सामने विच कंट्री होस्ट वर्चुअल समिट विद बांग्लादेश वियतनाम इन दिसंबर टू होस्ट टू बूस्ट डिप्लोमैटिक टाइज तो डिप्लोमैटिक टाइज को राजनीतिक संबंध को अच्छा करने के लिए बांग्लादेश और वियतनाम के साथ दिसंबर में वर्चुअल समिट इसमें से कौन सा देश करेगा पॉलिटिका सेशन जो है वेडनेसडे को होता है टू टू फोर जो बच्चे हमारे साथ जूम के ऊपर अटेंड uh, करते हैं तो so, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन वो क्लास परचेज uh, करी है तो आप वो क्लास लगा सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन वो क्लास परचेज नहीं की है तो आप आईबीटी कॉल uh, करके या जो नंबर आपको दिया जा रहा है आप उसके ऊपर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं बिल्कुल एडवोकेट वंदना भगत जी ये बिल्कुल आपके लिए अगर आप आरआरबी को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आरआरबी के लिए बहुत ही और एसओ SO के लिए स्पेशल ऑफिसर एग्जाम के लिए जो प्रीवियस हर वीक जो हम करंट अफेयर्स का न्यूज निकालते हैं आप उसे आ, उसकी पीडीएफ भी आपको मेक माइ एग्जाम डाउनलोड करोगे ऐप प्ले स्टोर से तो उसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी वहां पर तो वहां से अगर आप करते हैं तो ये न्यूज बहुत सफिशियंट है आपके जीके सेक्शन के लिए तो इसका राइट right आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज इंडिया सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पीएम टू एड्रेस ग्लोबल क्लाइमेट समिट टू मार्क फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट पैक्ट वेन वॉज द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट एक्ट फर्स्ट साइंड तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हमारे फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को वो एड्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछा गया कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है पहली बार कब आया था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज सी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को कब साइन किया गया था पहली बार किस ईयर में सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए बिल्कुल सही 2015 थर्ड क्वेश्चन व्हेन विल बी द पीएम नरेंद्र मोदी गिव द इनागुरल एड्रेस एट द वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020. तो वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत कब हुई और पीएम ने इसको कब एड्रेस किया शिव सुष्मिता बिल्कुल सही उत्तर आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा और बिल्कुल सही है थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ज डी दैट इज एट दिसंबर आठ दिसंबर से दस दिसंबर के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस कोविड 19 वैक्सीन इन विच कंट्री तो रिसेंटली फाइजर जो है वो एक एमरजेंसी तो तो right ऑथोराइजेशन तो चाहता है अपने वैक्सीन को यूज करने के लिए किस कंट्री से उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन की मांग की है इज इट चाइना इंडिया यूके या फ्रांस बिल्कुल आयुषी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर वो सी देन शिव सुष्मिता वंदना वासुदेव बिल्कुल सही तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी दैट इज इंडिया इज द करेक्ट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली पार्टनरशिप विद रूपी एंड वीजा टू लॉन्च रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर एमएसएमई तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इसमें से किस बैंक ने अभी रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है इज इट एच डी एफ सी बैंक एक्सिस बैंक आईडीएफ सी बैंक या यस बैंक रमेश कुमारी भंडारी शिव सुष्मिता आयुषी बहुत खूब आप सभी का आंसर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी दैट इज इज एक्सिस बैंक द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही सिक्स क्वेश्चन की तरफ जर्नलिस्ट ऑथर राजकमल झा हैज वन द थर्ड रविंद्रनाथ टेगौर लिटरेरी प्राइज फॉर इज विच नॉवल तो अभी रिसेंटली राजकमल झा को रविंद्रनाथ टेगौर लिटरेरी प्राइज दिया गया है उनकी किस नॉवल के लिए किस उपन्यास के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है सिक्स क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं बिल्कुल वंदना जी बिल्कुल सही है इशफाक अहमद रमेश शिव आयुषी सुष्मिता बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन आपका और सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा सिक्स क्वेश्चन का राइट right आंसर भी स्टूडेंट्स के द्वारा आ चुका है बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सिटी एंड द सी सेवन क्वेश्चन हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय एडीबी फॉर बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द सिटी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशियंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को कितना रुपया कितना पैसा कितना मनी जो है वो दिया गया है तो so, आज के सेशन में ये न्यूज नहीं किया था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसे क्विज में जरूर रखा है तो सेवन क्वेश्चन का राइट right आंसर जो है बिल्कुल सही 190 मिलियन डॉलर जो है वो राइट right आंसर है सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए दैट इज 190 मिलियन डॉलर नेक्स्ट क्वेश्चन एट क्वेश्चन की तरफ हु डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपलॉर्ड इंडिया फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यू एच ओ डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है बिल्कुल टेडरॉस एधनम घाना के हैं रौ, नाम है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच एजेंसी रिवाइजेज इंडिया जीडीपी फोरकास्ट टू माइनस नाइन पॉइंट फोर परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन तो दो हजार बीस दो हजार इक्कीस के फाइनेंशियल ईयर में किस एजेंसी ने कहा है कि भारत की जी डी पी माइनस नाइन पॉइंट फोर परसेंट रहेगी इज इट मूडी फिच वर्ल्ड बैंक या आई एम एफ नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं मीनू बुकाडिया, इर्शाद इश्फाक बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन और इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है बी डेट इज फिच यूएस बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और ये रहा लास्ट क्वेश्चन क्वेशन फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेटेड ऑन डे डे आर्म फोर्सेस फ्लैग जो है कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इज इट एट दिसंबर सेवन दिसंबर टेन दिसंबर या फाइव दिसंबर तो अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं तो अंतिम क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा बिल्कुल इश्फाक आयुषी वंदना रमेश सुष्मिता मीनू आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है और अंतिम क्वेश्चन का राइट आंसर भी दीजिएगा और ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सेवन दिसंबर इज द करेक्ट आंसर तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन सात से तेरह दिसंबर के इंपॉर्टेंट न्यूज और रिवाइज भी हमने क्या कुछ के माध्यम से वो समाप्त होता है अगले मंगलवार इस हफ्ते की खबर को लेकर हम आपके समक्ष जरूर मौजूद होंगे तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा करंट द वेकअप ऑन वीकली बेसिस विद कुमार संभव ऑन ट्यूजडे एट टेन ए एम तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद